आईएफएल ग्रुप के चेयरमैन निर्मल जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, हम उनसे संपर्क कर रहे हैं। तब तक एक जल्दी से बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का बंसल जी के लिए। बताइए सर। अनिल जी, बिकवाली की राय है हमारी इन्फोसिस पर। इन्फोसिस बिल्कुल भी रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इनफैक्ट आईटी इंडेक्स ने भी एक नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है और इन्फोसिस आईटी का वो दिग्गज है जहां पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है क्लियर। जैसे सुबह कुणाल जी ने 705 के लेवल्स की बात करी थी, 705 के नीचे इन्फोसिस निकला और यहाँ पे बिकवाली की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए बनी जी, क्लियर ब्रेकडाउन आते हुए इन्फोसिस के चार्ट पर नजर आ रहा है। कई दिनों का एक कंसोलिडेशन है और ये ब्रेकडाउन है, तो इन स्तरों पर इन्फोसिस को बेचें। यहाँ पर 711 का एक स्टॉप लॉस रखना है, बहुत ही टाइट 1% का स्टॉप लॉस है और नीचे हमें लगता है 690 का पहला टारगेट होना चाहिए, तो 690 के टारगेट से शॉर्ट करें, 711 पर स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, 690 के टारगेट के लिए एक बार आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं इन्फोसिस को। अभी ये भी डे लो पे आके कर रहा है काम, 7 रुपए की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल। अच्छा, इस बीच आईएफएल ग्रुप के चेयरमैन निर्मल जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। निर्मल जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। सर, एक बार मैं बाजार की बात नहीं करता हूँ, नहीं तो वो थोड़ा मूड माहौल थोड़ा बदल जाएगा। पहले सिर्फ और सिर्फ देश की बात करते हैं। देश ने मोदी जी में ऐसा क्या देखा कि इतना बड़ा जनमत दे दिया? बधाई हो, आपकी पार्टी की जीत हुई अनिल जी, और देश को कंटिन्यूटी चाहिए थी, स्टेबिलिटी चाहिए थी। और आई थिंक मोदी जी ने जो काम इस बार जो गांवों के लिए और गरीबों के लिए किया, वो जो यहाँ पे शहरों में बैठे हुए लोग मिस कर गए। क्योंकि अगर जैसे देखो एलपीजी जो 4-5 करोड़ घरों में पहुंचा दिए उन्होंने, गैस के कनेक्शन, बिजली जो पहले अगर आप यूपी के गाँव में जाओ तो 4-6 घंटे थी, वो 18 घंटे रहती है। तो ये सब चीजें जो हो रही थी वो यहाँ पे बैठ के लोग मिस कर गए, और उसका जो फायदा और उसका जो फल मिला है वो अब दिख रहा है। और उसके अलावा यू नो कि एक जो काफी सारे बोल्ड स्टेप्स लिए, तो लोगों को शायद यू नो कुछ शक था कि शंका थी कि शायद इससे वोटर खुश होंगे कि नहीं, पर अब इंडियन वोटर भी आप देखो कि हाँ, किसी को इतना पता नहीं था कि क्या वो सोच रहा है, पर अंदर ही अंदर एक लहर चल रही थी और बहुत ही स्ट्रांग लहर चली है जो कि हर राज्य में दिख रही है। बिल्कुल, लहर चली है और वैसे वोट भी मिले हैं, सीटें भी आई है, लेकिन बाजार क्या हो गया सर? इतनी मजबूती के बाद इतना तेजी से गया है, जैसे कि मतलब इससे तो बढ़िया थोड़े 2-4 दिन और इलेक्शन के नतीजे नहीं आते तो ठीक था। नहीं, बाजार में क्या हुआ कि आप अगर सवेरे बाजार खुलने के पहले नतीजे आ गए थे तो लोग मार्जिन पे चढ़ जाते हैं, मतलब और पैसा हो नहीं, और आप अगर पोजीशन बहुत जोर से बिठा लो और मार्केट में अगर 3:30 के पहले आप अगर पोजीशन स्क्वायर अप करनी है तो इसी तरह की दिक्कतें आती है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, समझो कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है जिनके पास बड़ा पैसा है, वो लोग तो पहले इलेक्शन के रिजल्ट की वेट करेंगे, अपने स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, उनके लिए एक टाइम लगता है बाजार में पैसा को घुमा लाने के लिए। और जो शॉर्ट टर्म मार्जिन ट्रेडर्स हैं जो अपनी जो कैपेसिटी है उससे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग पोजीशन ले लेते हैं समझ के कि अब तो बाजार बढ़ना ही बढ़ना है, और अगर उनको वो दूसरे दिन तक पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं तो ये जो सिचुएशन आज की हम देख रहे होती है, ये सब काफी, ये जो वॉलेटाइल मार्केट से आपको किसी भी बजट किसी भी बड़े दिन पे हमेशा दिखाई देगा। पर मैं समझता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल की तरफ देखते हो तो ये काफी अच्छे नतीजे हैं और काफी अच्छी सिचुएशन है बाजार की और इकोनॉमी की, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। और आप जरा वेट कीजिए, एक बार जो ये जो जो हॉट मनी है, जो वीक मनी आई थी, जो कमजोर पैसा आया था, उसको एक बार निकल जाने दो और उसके बाद बाजार काफी स्थिर और अच्छी चाल देगा। तो जैन साहब, फिर उन लोगों को तो अपना अच्छा नसीब समझना चाहिए जो ये सोचते थे कि इलेक्शन के रिजल्ट कहीं खराब आ गए तो, सरकार नहीं बनी तो, हंग पार्लियामेंट जैसी सिचुएशन हो गई तो, ये 22 प्रधानमंत्रियों के दावेदारों में से कौन बनेगा तो, इन सब के कुछ नहीं होने के बावजूद, क्लियर कट मेजोरिटी के बावजूद जिन लेवल पर कल था बाजार उससे नीचे आज निवेश करने का मौका मिल रहा है, पैसा लगाना चाहिए अभी? हाँ, पैसा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो लगाना चाहिए, और स्टॉक्स और सेक्टर की स्टडी करके सिलेक्ट करके लगाइए, क्योंकि पिछले 4 दिनों में बाजार काफी बड़ा है। और आज या कल एक बात है, पर बाजार में हमेशा यू नो क्या होता है, कोई भी इवेंट है ना उसकी तेजी एक दिन में पूरी नहीं होती है, मतलब एक दिन में ऐसा नहीं कि सब पैसा आ जाएगा और बाजार में अब यू नो काम हो गया। तो आप अगर आराम से धीरज से अपनी
रिसर्च करके सोच समझ के अगर स्टॉक्स ढूंढे और लगाएं तो हमेशा ज़्यादा फायदा होगा उसमें, एक दो दिन चार दिन से कभी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। पर आपकी बात सही है कि अगर जो बाजार जो कल के लेवल से अगर डाउन है तो इसमें डेफिनेटली कुछ अपॉर्चुनिटीज होगी, कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आप इस समय उसमें पैसा लगा सकते हैं लंबे अरसे के लिए। पर जो भी पैसा लगाए, क्योंकि मार्केट अब अगले पांच सालों में बहुत सारे वॉलेटाइल रहने के कारण होंगे, ग्लोबल कारण होंगे, डोमेस्टिक होंगे, अब मॉनसून है, क्रेडिट पॉलिसी है, कुछ यू नो चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो भी निवेशक है उनके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह के बाजार में अगर आपके पास अपना खुद का पैसा है जो बिना उधार लिए हुए और लंबे अरसे तक लगाने का पैसा है तो ही आप पैसा लगाइए बाजार में। ठीक बात है, और उसी में आपका फायदा होगा। तो जो भी पैसा लगाना है लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है और ये मौका दे रहा है बाजार आपको एंट्री करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बाजार वोलेटाइल रहेगा। जी 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 बोले सर जी प्लीज। धन्यवाद। नहीं नहीं बोलिए सर। नहीं मैं ये जो बाजार में जो लिवरेज करके या मार्जिन पे जो फंडिंग करते हैं जी, क्योंकि बाजार का रुख जो है वो वॉलेटाइल रहेगा और ये समझना बहुत जरूरी है सबको। बिल्कुल, तो उतार चढ़ाव रहेगा तो अपना पैसा लगाएं, वॉलेटाइल डेज और भी आएंगे। ठीक बात है, तो अपना पैसा लगाएं, उधार लेकर नहीं, ट्रेडिंग ना करें, इन्वेस्टमेंट करें, ये राय है निर्मल जैन साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए।